हाँ भाइयों, अपने मंदिर के पोस्ट पड़ो के लिए पैसों की व्यवस्था हुई कहीं से? पंडित जी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने सहयोग करा भी है और कुछ लोगों ने वादा भी किया सहयोग करने का। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम कोशिश करते रहो। इस बार हमारा जो प्रोग्राम है वो बड़ा करना है, बस लोगों का सहयोग हमें मिल जाए। पंडित जी हम तो कोशिश ही कर रहे हैं, बाकी भोलेनाथ की कृपा है। हाँ हम और लोगों से मिल के आते हैं। चलो ठीक है। हे राम, अरे भाई क्या हुआ? उठो उठो उठो, आप आराम से उठो, आराम से चलो मेरे साथ। अरे मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ, ये तो मंदिर है। तो क्या हुआ? पर मैं तो मुसलमान हूँ ना। तो इंसान तो हो ना आप, चलो आपकी तबीयत खराब है। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ये लो भाई पानी पियो। अरे हाँ हाँ, मुंह लगा के पी लो आप। आप बैठो, मैं आता हूँ। अरे भाई अब सब ठीक है ना? हाँ हाँ। तबीयत लेकिन यहाँ मुझे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? देख लेगा तो क्या हुआ? मैं मुसलमान हूँ और ये मंदिर है। अरे भाई मंदिर भी तो सबके लिए है, मुसलमान और हिंदू में क्या फर्क है, हम इंसान तो है ना। काश ये बात हर इंसान समझ जाता तो आज देश की हालत न होती, हम आपस में ना झगड़ते। अच्छा आपकी मेहरबानी पंडित जी, अब मैं जाता हूँ। ठीक है भाई, आराम से जाना। वो जो मिश्रा जी थे वो भी तो बोले थे ना योगदान देने का कुछ पैसों का। हाँ यार उनके पास तो चल के आएंगे, आज अपन उनके पास भी चल के आएंगे। एक बार पहले पंडित जी से मिल लेते हैं। अरे भाई ये मुसलमान अपने मंदिर में क्या कर रहा है? यार ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, अगर अपने ध्यान नहीं दिया ना तो एक एक घुस के अपने मंदिर को मस्जिद बना देंगे। हाँ यार पर पंडित जी को कुछ बोलते क्यों नहीं है, चला पंडित जी से बात करते हैं। अरे नहीं अभी वो यहीं बैठा है, अपन पंडित जी से बाद में बात करेंगे। ठीक है भाई तू कहता है तू। हाँ भाइयों, कुछ हुआ प्रोग्राम के लिए व्यवस्था? पंडित जी हम तो हमारा काम कर ही रहे हैं, आप अपना काम करो, मंदिर का सही से ध्यान रखो। मंदिर का ध्यान रखो? मंदिर कहाँ भाग के जा रहा भाई, मंदिर तो यही है। मंदिर तो कहीं भाग के नहीं जा रहा, लेकिन मंदिर में जो लोग आ रहे ना वो सही नहीं है, उनका ध्यान रखो। कहना क्या चाहते हो भाई तुम? वो देखो, चल भाई हम तो अपने मंदिर की व्यवस्था करते हैं। आ जा। क्या भाई सब बढ़िया है? हाँ सब, बस आपकी कृपा है। अरे हमारे कहाँ, ऊपर वाले की है सब। वो तो है, सबका मालिक तो वही है। घर में बच्चे बच्चे सब ठीक है? बस सब पे ऊपर वाले की मेहरबानी है। चलो अच्छा है। तो आज मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा थोड़ी देर आपसे मिलता चलूं। अरे बहुत अच्छा किया, यहाँ बैठता हूँ तो बड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। चलो ये तो इंसान का प्यार प्रेम है, ऐसे मिलते रहा करो। अच्छा आप बैठो, मैं थोड़ी पूजा पाठ कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा पंडित जी चलता हूँ मैं। ठीक है भाई, आते रहा करो।
ठीक है। आपने ही जोरदार बात बताई भाई, बच्चे हैं जरा जरा से बात पर जिद कर लेते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अक्सर पूछते हैं आजकल अब्बू घर आने में लेट कैसे हो जाते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं मंदिर में रुक जाता हूँ। तो मानते ही नहीं है। यकीन नहीं होता साहब, बच्चे हैं। यकीन नहीं होता ना, आज की जनरेशन ही ऐसी है यार। ये पंडित जी चाहते क्या है, रोज रोज क्यों बुला लेते हैं इसे? यार ये पंडित तो पता नहीं इसको भगाएंगे नहीं भगाएंगे, लेकिन आज हम दोनों इसको भगाई देते हैं। हाँ चल रुक, मैं पंडित जी को साइड में लेके जाता हूँ और तू उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो दोबारा यहाँ पर दिखे ही नहीं। ठीक है पंडित जी। एक बार आओ ना, कुछ काम था आपसे। क्या हुआ भाई, यहीं बता दो। नहीं नहीं कुछ जरूरी काम था, एक बार आओ। चलो ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। भाई तुम बैठो मैं आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। तो मौलाना साहब, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारी सुनना बंद कर दी क्या, जो तुम हमारे मंदिर में चक्कर लगा रहे हो? कैसी बात करते हो बेटा। मंदिर मस्जिद सब एक ही तो है, ईश्वर अल्लाह सब एक ही तो है। मैं तो ये बात जान गया हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जाने। हमें मत सिखाओ, अल्लाह अलग है भगवान अलग है, हमें सब पता लग गया तुम यहाँ किस विराग में आते हो। आज के बाद तुम यहाँ दिखाई मत देना मेरे को। अरे क्या बात हो गई भाई, तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे पंडित जी आप तो कुछ बोलते नहीं हो, इसलिए हमें कुछ बोलना पड़ता है। और हमें बताइए यहाँ किस विराग में आते हैं? किस फिराक में आते हैं और तुम क्या समझे बैठे हो? तुम्हें पता है जो अपने यहाँ चंदा कम पड़ रहा था हॉस्पिटल के लिए, वो कैसे एकदम से पूरा हो गया? वो सब इन्हीं की बदौलत हुआ है। इन्होंने हमारी सारी बातें सुनी और वो पैसे ऐसे ही नहीं आए। इन्होंने अपने मोहल्ले में जाके सब लोगों से गुजारिश की और मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया। और क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब इंसान है, सबके खून का रंग एक जैसा ही तो है। ये तो सब सियासी बातें हैं, वो अपना मतलब निकालने के लिए हम जैसे लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं और कुछ भी नहीं है भाई। हाँ पंडित जी सही कह रहे हैं, हम सब एक ही हैं, उस पाक परवरदेगार के बच्चे हैं हम। ये तो सब ये सियासी लोग अपना फायदा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमको आपस में लड़वाते हैं और हम लोग आपस में लड़ने लगते हैं। सबका मालिक वो ऊपर वाला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई तो हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, क्यों पंडित जी? बिल्कुल भाई तुम सही कह रहे हो। पंडित जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आओ पूजा का समय हो गया, पूजा करते हैं। ऊपर वाला तो बस एक ही है, बस हम इंसानों ने उसे अलग अलग जाति और धर्म में बांट दिया है। रोज हम तेरा मेरा करते हुए एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं।